साथियों नमस्कार। कल भोपाल कमलनाथ जी से बैठक सार्थक रही, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। यदि हमारी सरकार बनती है तो अतिथि शिक्षकों का निराकरण किया जाएगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी की बारी है, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है। ये प्रयास जारी है, सारे लोग लगे हुए हैं और सारे प्रदेश के समस्त टीम लगी हुई है, सभी एक है, कोई भी अलग नहीं है। अब हमें जो रथ यात्रा निकलने वाली है दतिया से, उसका समर्थन करना है। ग्वालियर चंबल सेक्टर के जितने भी लोग हैं सभी रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और वो रथ जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभाओं में चुनाव है उन विधानसभाओं में घूमेगा, और उस रथ के माध्यम से हम ये बताएंगे, वहाँ की जनता को ये बताएंगे कि हमारे साथ कितना शोषण सरकारों के द्वारा किया गया है, हमें ढाल बनाकर लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। और हमारे लिए जो सड़कों पे उतरने की बात कर रहे थे, आज उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया और हमें सड़क पे उतरने पे मजबूर कर दिया है। ये सारी चीजें हमें रथ के माध्यम से जनता को बतानी है। यदि हम इसके माध्यम से प्रेशर दबाव बना पाए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में सारे भाजपा के बड़े नेता है और वो निश्चित रूप से हमारी बात को समझेंगे और हमसे बैठ के इस मैटर पे चर्चा करेंगे और हमारा निराकरण भी करेंगे। साथियों यही समय है, यदि ये समय निकल गया तो फिर हमें 2-3 साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक अतिथि शिक्षकों की संख्या जो है अधिकारी वर्ग बहुत ही कम कर देगा, क्योंकि हर वर्ष अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसलिए सभी जागृत हो जाए और सब एकजुट होकर के रथ यात्रा का समर्थन करें और सभी इसमें सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि ये सफल हो और सरकार तक हमारी बात जाए और सरकार इस मुद्दे का निराकरण करे। जय हिंद, जय भारत।